नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी पाखी अनामिका इंडियन मॉम लंदन डायरी में। और ये ब्लॉग बहुत ही दिल के करीब है मेरे, आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो यहाँ मेरी बेटी है, मेरे जीवन साथी मतलब कि अंकित है और मैं हूँ, और साथ में हमने शुरुआत की है अपने सफ़र की, जो काफ़ी खुशनुमा था, बेहतरीन था, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड भी थी। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको। और ये नदी है और ये है खंडर, और ऊपर बर्ड्स भी है। हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना, अरे जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो ये वही हालत थी थोड़ी सी, हमें जाना था घर से ट्रेन की तरफ, ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन हम लोग हमेशा की तरह लेट हो गए। और फिर हमने रुख किया रेंटेड कार का, तो हमने कार की और पूरे प्रोटेक्शन के साथ हमने देखा कि इसमें सब कुछ आइसोलेशन शीट थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो काफ़ी सुरक्षित था। और ये सुंदर नज़ारे, और ये देखिए हम सब पहुंच गए एन्सफोर्ड कैसल। मेरी बकेट लिस्ट में बहुत सारे कैसल थे जो इंग्लिश हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, और ये क्योंकि पूरा खंडर है, रियूंड है, खुला हुआ, तो इसलिए अभी कोविड के समय में ये एक ओपन स्पेस है, इसलिए ये हमको एंट्री मिली यहाँ पर। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स थे वो यहाँ पे वॉक करने के लिए आ रहे थे अपने पेट्स के साथ, और अमूमन पेट्स में जिसको वो वॉक करा रहे थे वो डॉग ही होते हैं, बिल्लियाँ तो खुद ही घूम लेती हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होती किसी की असिस्टेंस की। सो ये काफ़ी हिस्ट्री में जिसका इंटरेस्ट है उसको काफ़ी अच्छा लगेगा, उसको बोल दें हम खंडर हैं या कुछ भी है, लेकिन इतिहास है, और इतिहास पढ़ने, देखने, समझने का मौका मिले तो काफ़ी मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर ये जो जगह थी, ये कोई ऐसे कोई महल नहीं था जो इसकी हिस्ट्री में मैं देखा, ये एक भंडारण जो होता है खाद्य का, उसके लिए ये बहुत यूज़ किया गया। और ये एक नदी है, डोरेंट नदी उसके तट पर है, उसके किनारे पर है। तो अमूमन जो कैसल बनाए जाते थे उनके चारों तरफ पानी होता था सुरक्षा के लिए, और आपके यूसेज के लिए भी। ये देखिए लोग अपने पेट्स को यहाँ पे घुमा रहे थे, और काफ़ी नदी के किनारे बैठ के हमने लंच किया, और नदी के किनारे ठंडक तो होती है तो वो देखने को मिली। और यहाँ पर एक हॉल था, दो किचन थी, एक नई किचन, एक पुरानी किचन, और ये लगभग 3 से 4 स्टोरी का कैसल रहा होगा, और इसका अमूमन यूज़ भंडारण के लिए था, लेकिन ये कंट्री साइड बहुत ही खूबसूरत थी जिसका लुत्फ हम तीनों ने मिलकर खूब उठाया और इन्जॉय किया। आप सिटी लाइफ से कहीं दूर गांव में जाना चाहते हैं विलेज लाइफ को जीने के लिए, तो ये काफ़ी नज़दीक है ब्रॉमले टाउन से, लगभग 20 मिनट की दूरी पर है ट्रेन से अगर आप जाएं, और करीब आधा घंटे का समय लगा था हमको कार से। सो ये आप देखिए, इसमें जो पत्थर भी यूज़ हुए हैं वो भी मैंने दिखाए हैं ब्लॉग में, इसमें जो है वाइट कलर के और ब्लैक कलर का जो पत्थर होता है वो पत्थरों से बना हुआ है, चूना और मिट्टी यूज़ करके, जो हम आजकल सीमेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ चूने और मिट्टी को यूज़ किया गया, जो काफ़ी रोचक है। ये परी को देखना, परी मेरे चैनल का प्रचार प्रसार कर रही है, आपको भी अच्छा लगेगा। और अगर आप भी लंदन के आसपास कहीं रहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं क्योंकि ये ओपन है। और एक कैसल मैं आपको, और 7 ओक्स करके एक कैसल है वो भी ओपन है, बट आप उसके अंदर जाकर नहीं देख सकते हो, लेकिन एल्थम पैलेस इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू गो देयर एंड विजिट, इट्स इन लंदन ओनली, सॉरी इट इज़ इन ब्रॉमले ओनली, सो लंदन बरो में आता है तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको पहले से प्री बुकिंग करनी होगी, लेकिन फॉर एन्सफोर्ड कैसल यू नीड नॉट टू बुक प्रायरली, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये पूरा खंडर है, ओपन है, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये फ्री एंट्री था और इसमें बुकिंग की जरूरत नहीं थी। लेकिन बाकी जगह आप देखोगे इंग्लिश हेरिटेज में या नेशनल ट्रस्ट में, तो उसमें आपको प्री बुकिंग की जरूरत होगी और कुछ टिकट भी लगता है।
सो परी ने तो काफ़ी इन्जॉय किया। और अब चलिए इस छोटे से गांव का लुक देखते हैं कि कैसा है। काफ़ी सुंदर था और आशा है आपको भी पसंद आएगा। और अभी ये मौसम चल रहा है स्प्रिंग का, बसंत का, तो डेफोडिल्स सब जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कुछ खुद तो खुद से ही उग आते हैं और कुछ यहाँ पर जो काउंसिल होती है वो इनको लगाती है। और ये है विक्टोरिया स्टाइल के घर और ये है सुंदर से डेफोडिल्स जो आपके मन को मोह लेते हैं और उत्साह को आपके अंदर कूट कूट के भर देते हैं। और जब हवाएं चलती हैं तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। अच्छा, यहाँ पर एक रोमन विला और लुलिंगस्टन कैसल भी है जो अभी फ़िलहाल बंद है। ये देखिए लुलिंगस्टन कैसल एंड रोमन विला, ये इसमें प्री बुकिंग लगता है और कुछ इसका टिकट भी होता है और आप बस के थ्रू भी आ सकते हो। दो बसेस लगती हैं वेक्सले हीथ के थ्रू और जो ऑर्पिंगटन होते हुए वेक्सले हीथ से जाती हैं और फिर आप यहाँ पर जो गांव की बस है 429 वो लेके आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण ये सब अवेलेबल नहीं था। और ये देखिए यहाँ का चर्च, बहुत ही खूबसूरत इमारत थी और चर्च के साथ ही लगा हुआ कब्रिस्तान भी, ग्रेवयार्ड भी था। और अब काफ़ी इंटरेस्टिंग था यहाँ पर जाना, जो हम राइट साइड में गए यहाँ पे जो नदी थी और नदी में से गाड़ियाँ होके निकल रही थी जो, और ये छोटी सी एक शॉप थी, काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी शांत था, आबादी भी काफ़ी कम थी। और ये देखिए यहाँ का सेंट मार्टिन्स और एंसवुड कैसल, सारे बोर्ड लगे हुए हैं ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो जो बाहर से घूमते आते हैं, और हम जैसे जो पहली बार जा रहे हैं तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं गई क्योंकि ठंड भी बढ़ रही थी और हमें थोड़ा सा नदी के किनारे भी, तट पर भी घूमना था। तो मेरा मन था कि मैं ग्रेवयार्ड में जाऊँ, बट अंकित जी बोले कि रहने दो, अभी परी भी साथ पे है, पहले हम थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं। तो ये जो टी रूम है ये पहले उसमें लिखा हुआ था वेबसाइट पे कि ओपन है, बट हमने पाया कि ये क्लोज था। तो यहाँ पे लिखा था कि ओपन है लेकिन यहाँ पे क्लोज था। देन हम तो अपना खाना पीना सब साथ में लाते हैं और ये देखिए पानी में से होते हुए वाह वाह SUV जा रही है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। और ये जो हम अपनी किताबों में पढ़ते थे कि कैसे सुंदर विलेज होते हैं, तो ये उसका एक नमूना है। इससे ज़्यादा सुंदर और भी होते हैं यदि हम बहुत अंदर जाएं, इंग्लैंड में घूमें, वेल्स में जाएं या फिर स्कॉटलैंड में जाएं, तो बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक ब्रॉमले के पास था तो हमने कहा कि चलो घूम लेते हैं, देख लेते हैं। मेरी बकेट लिस्ट में बहुत सारे हैं, रॉचेस्टर कैसल भी है, लेकिन क्या होता है ना कि जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनको मौसम का भी देखना पड़ता है कि ज़्यादा ठंड ना हो, क्योंकि बच्चे घूमते हैं तो फिर बीमार होने के चांसेस भी बढ़ते हैं और कोविड है तो हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके ही चलना पड़ता है। आई होप आपको ये नदी का नज़ारा, ये एक रूइन कैसल और छोटा सा गाँव पसंद आया हो। मेरी यही आशा हमेशा रहती है मेरे सारे ब्लॉग्स में कि आपको पसंद आए। और मैं थोड़ी हिंदी ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि मैं मुझे हिंदी बहुत पसंद है और मैं लिखती भी हूँ, तो खुदा ना खास्ता क्या होता है कि वो अपने आप ही मुँह पे बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो कुछ लोगों को शिकायत भी हो सकती है, कुछ लोगों को पसंद भी हो सकता है, तो बस जैसी हूँ आप मुझे वैसा ही अपना लें। मैं ट्राई करूँगी कि इंग्लिश में बहुत सारा कॉन्वर्सेशन आपके साथ कर पाऊँ, आपको अच्छा लगे, आप पसंद करें। तो ये देखिए कल कल करती हुई आवाज़ हमारे मन को प्रसन्न कर देती है और मेरी बेटी भी बहुत खुश थी। हालांकि पानी इतना ठंडा नहीं था लेकिन ठंडक हो गई थी क्योंकि लगातार यहाँ पानी भी बरसता रहा और उसके बाद थोड़ी धूप निकली, फिर उसके बाद बारिश हुई और मिट्टी गीली हुई, हवा चली तो ठंडक पड़ गई। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ब्लॉग और आप इस खूब सारा इन्जॉय करिए और जहाँ भी आप घूमें वहाँ पर पूरी प्रिकॉशंस के साथ घूमिए तो आपको अच्छा लगेगा। अंकित का भी ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, पर लौटते समय में बहुत परेशानी हुई, कैब बुक नहीं हो रही थी क्योंकि हमने सोचा डायरेक्टली कैब से जाएंगे, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा लौटने का। फिर हम लोग ट्रेन से ही गए जिसका हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा,
इसलिए मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो गई, बट फाइनली जो हमें मिला, जो मंजिल पर मिला, वो काफ़ी खूबसूरत था, खुशनुमा था, मन को खुश कर देने वाला था। तो बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और खुशी एक तरफ। तो परी ने बहुत एंजॉय किया इन फूलों की तरह, रंग बिरंगे डैफोडिल्स की तरह। और ये यहाँ का स्टेशन है जो मैंने कुछ क्लिक्स ली थी कि आपको दिखाऊं। स्टेशन काफ़ी साफ था और कोई भी यहाँ था नहीं सिर्फ हमारे अलावा। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप भी विजिट करना चाहते हैं, लंदन में रहते हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, और डायरेक्ट ट्रेन है, कैब भी कर सकते हैं और बस के थ्रू भी जा सकते हैं। सो यहाँ मैं कुछ फोटोग्राफ्स लगा रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएंगी। तो मुझसे यूं ही जुड़े रहिए और रूबरू रहिए, और अपने कमेंट्स मुझे देते रहिए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और मेरी आवाज़ कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।